नमस्कार, क्या आप भी किडनी स्टोन से पीड़ित हैं और उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं? तो आपने एक प्रोसीजर के बारे में सुना होगा जिसे हम RIRS बोलते हैं। तो आज इसी विषय में बात करेंगे कि RIRS क्या होता है, इसको कब करना पड़ता है, ये कैसे होता है, इसके साइड इफेक्ट्स और इसके फायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बात करते हैं RIRS के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है रिट्रोग्रेड इंट्रारिनल सर्जरी। इसमें हम पेशाब के रास्ते से एक बिल्कुल पतली दूरबीन को लेकर जाते हैं। ये दूरबीन को हम पेशाब से होते हुए पहले पेशाब की थैली तक लेकर जाते हैं और फिर नेचुरल रास्ते से ही उसे हम यूरेटर, जो किडनी की पाइप भी जिसे बोलते हैं, वहां तक लेकर जाते हैं और वहां से होते हुए इसे हम किडनी तक पहुंचाते हैं। किडनी में पहुंचने के बाद एक बाल के जितनी पतली लेजर से जो भी स्टोन्स हमें वहां पर दिखाई देते हैं, उनको हम लेजर से पूरे को तोड़ सकते हैं, उनको पूरा चूरा बना सकते हैं। तो आप सब पूछेंगे कि सर, ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर आप कैसे कर लेते हैं? वो ऐसे कर पाते हैं क्योंकि इसके सारे जो कंट्रोल्स हैं वो हमारे हाथ में रहते हैं और साथ ही साथ ये जो मशीन, ये जो स्कोप रहता है हमारा, ये 360 डिग्री में बेंड हो सकता है, ये इतना फ्लेक्सिबल होता है। तो इससे हम जो बॉडी के नेचुरल रास्ते हैं उन्हीं के रास्ते से जाकर किडनी स्टोन को तोड़ सकते हैं। इसे हम RIRS बोलते हैं। इसमें कोई कट या कोई चीरा या कोई चीरफाड़ नहीं होती है, नेचुरल रूट का ही इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कि किन किडनी स्टोन्स में हम इसको कर सकते हैं। तो हमारी जो यूरोपियन और अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से 2 सेंटीमीटर से नीचे के कोई भी स्टोन है या किसी भी लोकेशन पर है, चाहे वो अपर यूरेटर में है, चाहे वो किडनी के किसी भी पोल पर है, उनको निकालने के लिए RIRS गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। तो जो भी किडनी स्टोन्स 2 सेंटीमीटर से छोटे हैं, उनके लिए RIRS एक बेस्ट टेक्निक है और इसमें किसी भी लोकेशन के स्टोन को हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसके फायदे ये हैं, क्योंकि इसमें कोई कट चीरा चीरफाड़ नहीं है, तो पेशेंट जिस दिन एडमिट हुए हैं उससे नेक्स्ट डे ही पेशेंट डिस्चार्ज हो सकते हैं और साथ ही साथ उससे नेक्स्ट डे से अपना सारा काम नॉर्मल शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं कटती है या उसका कोई इंजरी नहीं होती है, एज कम्पेयर टू पीसनल इसमें ब्लड लॉस बिल्कुल ना के बराबर होता है। तीसरी बात, काफी पेशेंट्स पूछते हैं कि सर, ये RIRS करने से हमारी पाइप पे या किडनी पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। जितने भी केसेस RIRS के रहते हैं, मोस्ट 95-98% केसेस में किसी के अंदर भी कोई भी समस्या नहीं आती है, ना ही आपकी किडनीज में और ना ही आपके पाइप में कोई भी नुकसान पहुंचता है। फिर पेशेंट्स पूछते हैं, क्या RIRS करने से पहले हमें डीजी स्टैंड डालना पड़ता है? तो इसका जवाब भी ना है। हम डायरेक्ट फर्स्ट सिटिंग में RIRS कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें स्टैंड पहले डालना पड़े, फिर आपको हम दोबारा बुलाएं और फिर आपका RIRS हो। लेकिन अगर कुछ परसेंट केसेस में, जैसे 5-10% पेशेंट्स में, हमें या तो पाइप जो है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, या तो वो नैरो मिल सकता है या किडनी में पस मिल सकती है, तो उन केसेस में, जो कि अराउंड 10% ही होता है, उन केसेस में हमें, जब हम RIRS करने के लिए जाते हैं, तब हमें स्टैंड डाल के बाहर आना पड़ता है और फिर जब वो पस निकल जाती है या फिर जब वो पाइप जो है वो थोड़ा सा खुल जाती है, तब जाके हम उनमें RIRS कर सकते हैं। बट 100 में से कोई 5 पेशेंट में ही ऐसा होता है। 95% पेशेंट्स एक बार में आते हैं, अपना RIRS करवाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे पे अपने घर जाते हैं। चौथी बात, क्योंकि इसमें कोई कट नहीं है, जैसा मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, तो पेशेंट आराम से अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। वो कोई इसमें आराम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई लंबे चौड़े परहेज हैं। आप इवन जिमिंग तक भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से शुरू कर सकते हैं और ना ही कोई लंबी दवाइयां चलती हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो एज सच RIRS से कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। एक तो ये है कि 2 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन्स को हम इससे डील नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि, जैसा मैंने आपको बताया, कि अगर किडनी में पस है या पाइप नैरो है, तब हमें स्टेंट डाल के आना पड़ता है और कुछ परसेंट केसेस में, कोई 1-0.5% केसेस में, पेशेंट्स को इन्फेक्शन के होने के भी चांस होते हैं, बट वो भी दवाइयों से पूरा ट्रीटेबल रहता है। तो एज सच RIRS एक सेफ प्रोसीजर है, सेफली किया जाता है, तो कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि RIRS के बारे में आप समझ चुके होंगे और उसके बारे में पूरा जान गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके किडनी स्टोन्स बनना वैसे ही बंद हो जाएंगे। तो डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।